अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस इज़ फैजान फ्रॉम द हाउस ऑफ अमीर आदमी। प्रेजेंट 10A ओल्ड कमर्शियल की डेवलपमेंट आपको मैं दिखाने आया हूँ। इस वक्त जाए वकुआ पे खड़ा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है आप हैरान हो जाएंगे। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ तो मैं हैरान हो गया हूँ। इतनी बिल्डिंग है, इतना काम देख के मैं तंग हो गया हूँ कि इतना ज़्यादा बैरियर 10A ओल्ड कमर्शियल में डेवलपमेंट हो चुकी, इतने प्रोजेक्ट्स खड़े हो चुके हैं, ग्रेशक से खड़े हो चुके हैं, इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स तो डिलीवर भी हो चुके हैं, उनमें ऑफिसेज खुल गए, नीचे रेस्टोरेंट खुल गए 10A ओल्ड कमर्शियल में ही, जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट 4 करोड़ 4.5 करोड़ पे चला गया था। लेकिन अब रिसेशन बैक आके 133 गज का ये कमर्शियल प्लॉट अब आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ में मिल जाएगा, मैक्सिमम तो 4.5 में भी मिल जाएगा, जो ऑब्वियसली मराबा मार्ट मस्जिद को बिल्कुल फेस करता होगा, वो तो महंगा ही होगा। मैं पीछे की लोकेशन पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ के दरमियान मिल जाएगा। ये लोकेशन देखिए कितनी जबरदस्त है, हाइटेड लोकेशन है। सीधे हाथ पे चलेंगे तो आपको नीचे प्रेजेंट 10B 11B वाले विलाज और प्रेजेंट नजर आएगा। पूरा जो है प्रेजेंट है 10B यहाँ पे नीचे, और फ्रंट पे देखें सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। 133 गज के कमर्शियल पे होता क्या है भाई, 133 गज के कमर्शियल की फिजिबिलिटी आपको बताता हूँ। ग्राउंड प्लस 6 बना सकते हैं आप 133 गज के प्लॉट पे, लेकिन अगर आप दो प्लॉट खरीदेंगे मर्ज कराएंगे 133 133 बनेगा कितना, 267 मेरे ख्याल से बनता है। तो इस पर आप ग्राउंड प्लस 8 बना सकते हैं। अब वो आपके आप ऊपर है, आप इस पर कमर्शियल एक्टिविटी बनाएं, कोई ऑफिस बनाएं, या आप उसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना दें, क्योंकि धड़ाधड़ एरिया में सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट ही बनते हैं, सबसे ज़्यादा बिकते भी अपार्टमेंट है। इतनी बिल्डिंगे, इतना कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होके तो भैरिया टाउन का दूसरा हब मिडवे कमर्शियल के बाद जो बनेगा वो ये प्रेजेंट 10A ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वाहिद मिडवे की तरह इधर बैरिया ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई है, जो कहीं और प्रोवाइड नहीं की, अली ब्लॉक में प्रोवाइड नहीं की, जिना पे प्रोवाइड नहीं की। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए, जिन लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बनाई, अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए, अपने अपार्टमेंट बनाए, उन्होंने अपने जनरेटर से बिजली प्रोवाइड की है। लेकिन मिडवे भी की तरह, मिडवे ए की तरह, मिडवे कमर्शियल की तरह 10A कमर्शियल पे बैरिया ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, तो यहाँ पे टाइमिंग से कोई इशू नहीं होंगे और यहाँ पे 24/7 बिजली आएगी, आपको जनरेटर ऑन नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, आपको जनरेटर रखने से बगैर, एक रखते तो है सेफ्टी ओवर प्रिकॉशन के तौर पे, बट यहाँ पे बैरिया की अपनी इलेक्ट्रिसिटी है। इतना आबाद है, इतने सारे, आपको पता है प्रेजेंट 10A 11A में कितने विलाज हैं और सब भरे हुए हैं, वहाँ पे कोई ऐसा घर मुश्किल से मिलता है बिकने के लिए। इसी तरह प्रेजेंट 10A में ये जो कमर्शियल है बड़ा इक्का दुक्का बिकने के लिए आता है। अभी भी चंद मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेचने के लिए, ताकि वो आप लोग अवेल कर लें। जिन जिन को कमर्शियल चाहिए वो Avenue 1 इधर उधर देखते हैं, उन्हें महंगा बहुत पड़ता है, 6 करोड़ रुपये का Avenue 1 पे कमर्शियल नहीं मिलता, 6 करोड़ रुपये से कम का नहीं मिलता। यहाँ पे आपको आबाद जगह पे Avenue 1 पे इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई जितनी यहाँ पे हुई हो, जितनी यहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक है प्रेजेंट 10A 11A 11B 10B का, वो सारा टारगेट 10A के कमर्शियल के हुए। यहाँ पे जो बंदा अपना रेस्टोरेंट खोलेगा, अपना कोचिंग सेंटर खोलेगा, अपना अपार्टमेंट लॉन्च करेगा या अपने ऑफिस लॉन्च करेगा, सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी ह्यूमन ट्रैफिक उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे कमर्शियल लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। 133 गज का कमर्शियल आपको फिजिबिलिटी बता दिए, ग्राउंड प्लस 6 की 2 खरीदेंगे फिजिबिलिटी बन जाएगी, ग्राउंड प्लस 8 की वो आपके ऊपर है, आप क्या बनाए ब्रैकेट। आपको प्राइस ब्रैकेट भी बता दिया भाई, 2.5 करोड़ रुपये से के 4 करोड़ 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ में भी प्लॉट यहाँ पे मिलता है, वो भी लोकेशन डिपेंड करती है, कॉर्नर का लेंगे एक्स्ट्रा लैंड होता है, थोड़ा बड़ा प्लॉट हो जाएगा, फिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी। इसमें 10A में 250 गज के भी कमर्शियल है, 250 गज के जो कमर्शियल 267 गज के सॉरी जो कमर्शियल, उनमें फिजिबिलिटी बनती है 2 करोड़, उनमें फिजिबिलिटी बनती है 260 गज के जो कमर्शियल है उन पर फिजिबिलिटी बनती है। ग्राउंड प्लस 8 की 2 प्लॉट मिला लें तो ग्राउंड प्लस 10 या ग्राउंड प्लस 12 आई थिंक बन सकता है। उसका प्राइस ब्रैकेट क्या है, उसका प्राइस ब्रैकेट है हमारे से हमारा 5 करोड़ से लेकर ऑनवर्ड 6.5 करोड़ 6 करोड़, 250 गज के कमर्शियल इतनी आसानी से बिकते नहीं। ऑब्वियसली 250 गज के कमर्शियल का बायर बड़ा स्पेसिफिक होता है, लेकिन 133 गज खरीदना बहुत आसान होता है, इतने मुनासिब पैसे होते हैं, क्योंकि इतने में आपको हिल्स में 500 गज का ऊपर वाली लोकेशन पे रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है, जितने में आपको 10A में ओल्ड कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है जो अलॉटमेंट वाला होता है, सब पूरे पे कब्जा दिया हुआ है, ऐसा कोई प्लॉट नहीं है जिसमें कब्जा नहीं है, सारे प्लॉट में कब्जा है, सारे प्लॉटों में बिजली के तारे डली हैं, भैरिया की अपनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, मैं अभी स्ट्रीट व्यू अटैच करूंगा, आपको अंदाजा होगा कितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स यहां पे रेडी हो गई हैं, ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हो गए, कुछ तो बन भी गए, रेस्टोरेंट खुली में बैठा के मुझे यहीं से नजर आती है, वो स्ट्रीट व्यू आपको दिखाता चलूंगा। तो जिसको इस वक्त 10A कमर्शियल में इंटरेस्ट है तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा।